नमस्कार मित्रों, मैं राजीव मिश्रा और आप देख रहे हैं स्वैच्छिक दुनिया न्यूज चैनल। आइए बात करते हैं इस वक्त की कुछ बड़ी खबरें। नव वर्ष 2022 के आगाज में दीन दुखियों और जरूरतमंद लोगों के लिए खिचड़ी भोज आयोजित किया गया। मेमोरी ऑफ मदर फाउंडेशन द्वारा चुन्नीगंज बरमदेव मंदिर के बगल में नव वर्ष 2022 के उपलक्ष्य में खिचड़ी भोज का आयोजन किया गया, जिसमें डॉक्टर हेमंत मोहन होम्योपैथ को चीफ गेस्ट बनाया गया और विशिष्ट अतिथि समाज सेवी ओम द्विवेदी को बनाया गया। डॉक्टर हेमंत मोहन ने मॉम फाउंडेशन के सदस्यों को तथा राह चलते आम जनता को खिचड़ी का वितरण किया और ओमिक्रोन जैसी घातक बीमारी से बचाव के उपाय पर भी चर्चा की और कहा कि हमको अगर इस घातक बीमारी से बचना है तो भीड़भाड़ वाली जगह से बचना होगा, मास्क धारण करना होगा और बहुत ज़रूरी काम है तो ही घर से निकलना होगा। अंत में फाउंडेशन के अध्यक्ष डॉक्टर महेश चंद्रा ने मुख्य अतिथि डॉक्टर हेमंत मोहन व विशिष्ट अतिथि समाज सेवी श्री ओम द्विवेदी का माल्यार्पण कर स्वागत और आभार व्यक्त किया तथा सबके लिए नव वर्ष मंगलमय हो की कामना की। कार्यक्रम में सत्येंद्र जी, मोमिन खान, राधिका सिंह, निहाल सिंह, मोहित के साथ अनेकों लोगों ने सहभागिता सुनिश्चित की। लगभग 1100 लोगों को खिचड़ी वितरण किया गया। कानपुर से संवाददाता मुजम्मिल अहमद की खास रिपोर्ट। आज यहां पर ग्लोबल पैथ डायग्नोस्टिक सेंटर में नए वर्ष के उपलक्ष्य में खिचड़ी भोज का आयोजन किया गया है। इसमें हमारे डॉक्टर महेश चंद जी, डॉक्टर ए के सिंह जी, मैं स्वयं डॉक्टर हेमंत मोहन और हमारे समाज सेवी श्री ओम द्विवेदी जी, प्यारे प्यारे बच्चों, इन सब के साथ में यहाँ पर खिचड़ी भोज का आयोजन किया गया है। चूँकि अभी मकर संक्रांति आने वाली है, ये भोज खिचड़ी का नए साल के उपलक्ष्य में बांटी गई है और हम लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं कि कोरोना की तीसरी लहर ना आए। ये एक समाज का काम है। हमारे डॉक्टर महेश चंद जी सामाजिक हैं और तरह तरह के आयोजन समाज में करते रहते हैं। देखिए दूर दूर से लोग यहाँ पर, छोटे बच्चे, बुजुर्ग लोग, सब लोग खिचड़ी का आनंद ले रहे हैं और हम लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इस कोरोना की तीसरी लहर ना आए और सब लोग सुरक्षित रहें और सब लोग को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएँ। नया वर्ष सबके लिए मंगलमय हो, कोई भी अस्वस्थ ना हो, सब लोग आरोग्य रहें, सब लोग सुखी रहें।